Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Welcome viewers. Linear equations and inequalities chapter number 7. Last lecture में हमने linear equations की definition, solution of linear equation, extraneous roots, equivalent equations से related discuss किया था. और exercise 7.1 question number 1 के first two parts को हमने solve किया. उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 से ऑनवर्ड आज हम सॉल्व करेंगे. और इसके अलावा आपको इस चैनल पर क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की मुकम्मल तैयारी करवाई जाती है, जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन जो है एक्सरसाइजेस के वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे. और इसके साथ साथ जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं एग्जाम्स के हवाले से, पेपर पैटर्न, पेपर स्कीम, पेयरिंग स्कीम और गेस्ट पेपर्स के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से तमाम तर एजुकेशनल अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, शुक्रिया. तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं पार्ट नंबर 3 से ऑनवर्ड. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी दी गई मुसावातों को हल करना है हमने. तो ये लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम इनकी ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं दोनों तरफ से. जो भी मल्टीप्लिकेशन का काम है वो कर लेते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, और बाहर दोनों को हम सॉल्व करते हैं. 1/2 × x − 1/6, ये 1/2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/1 और नीचे 2 आ जाएगा. और x के साथ जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम राइट कर सकते हैं x/2. और इसी तरह −1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे वाली जो रकम है इसको नीचे वाली इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2 = 12 आ जाएगा, +2/3. और इक्वल में भी इसी तरह से 5/6 ये राइट करें, और +1/3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें. 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, −3x को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कैंसिल होकर ओनली x आ जाएगा. तो यहाँ तक इसको हमने सिंप्लीफाई करवा लिया, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया. अब यहाँ इसके अंदर आ रहा है फ्रैक्शंस में वैल्यूज गिवन है, तो हमने डिनोमिनेटर की वैल्यूज को कैंसिल करवाना है, एलिमिनेट करना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2, 3, 6 और 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं. मीन्स 2 का 3, 6 और 12, इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं. वो एलसीएम निकालने का तरीका ये पहली क्लासों में हमने सीखा हुआ है. तो यहाँ पे 2 पे डिवाइड करेंगे, पहले 2 × 1 = 2, 3 उसी तरह से 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12. अगेन 2 पे हो रहा है, सो इसको 2 पे किया दोबारा से 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ भी 3 आ जाएगा. अब अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे 3 से, तो ये सबको डिवाइड करके 1, 1, 1 और 1. अब इसका एलसीएम निकालने का तरीका, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12. तो ये एलसीएम हमारा आ गया जी 12. अब इस पूरे एक्सप्रेशन को बोथ साइड से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12. इस पूरे एक्सप्रेशन को 12 से मल्टीप्लाई करना है, सो हर एक टर्म को अलहदा अलहदा 12 के साथ जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 2 पे डिवाइड करवा देते हैं, 6 आंसर बच जाएगा, साथ में x मल्टीप्लाई हो जाएगा. माइनस जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी 12 आ रहा है, 12 से कैंसिल होकर ओनली 1 आ जाएगा. प्लस 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के डायरेक्ट 8 लिख देते हैं. और यहाँ 5/6, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12 बनता है, 2 आता है, 2 को 5 से ज़रब दें 10 आ जाएगा. और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और माइनस का 12 x आ जाएगा. अब मज़ीद हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करवा लेनी है एक्स के लिए, यानी एक्स वाली तमाम वैल्यूज को हम एक तरफ और दूसरी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाते हैं. 6
x माइनस का 12, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, और इक्वल में ये वाला 10 प्लस 2, ये 12 उसी तरह से 8 में से 1 माइनस करेंगे बाकी 7 बचेगा यानी 7, तो 7 जमा का इस तरफ आकर माइनस का 7 हो जाएगा। और फर्दर जब इसकी सिंप्लीफिकेशन की जाएगी, 6 और 12 को जमा करें तो ये 18x बन जाएगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। और फर्दर x के लिए सॉल्व किया, 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगा दी है मल्टीप्लीकेशन वाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये x का आंसर आ गया 5/18। अब यहाँ इसकी पड़ताल भी करनी है कि आया ये इसका एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस ओरिजिनल इक्वेशन में दोनों तरफ जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे लगा के दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे, और अगर आंसर बराबर आ जाता है दोनों साइड्स का तो हम कह देंगे कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है, अगर इक्वल नहीं आता तो फिर कह देंगे ये इसका एक्सट्रीनियस रूट होगा। तो इसको आप इसकी पड़ताल करते हैं यानी चेक करते हैं क्या ये इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं है। x की वैल्यू अब मैं यहाँ इस इक्वेशन में लगा रहा हूँ दोनों तरफ, तो x की वैल्यू 5/18 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5/18, और इसके डिनोमिनेटर में पहले से 2 भी है तो 2 भी साथ में मल्टीप्लाई लिख देना है, माइनस 1/12 आ जाएगा, प्लस 2/3 इक्वल में 5/6, प्लस 1/6 माइनस 5/18, ये x की वैल्यू हमने लगा दी। अब इनकी हमने सिंप्लीफिकेशन करवानी है, 5/18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 बन जाएगा, माइनस 1/12 प्लस 2/3 इक्वल में 5/6 प्लस 1/6 माइनस 5/18। अगेन हम इन दोनों साइडों का अलहदा अलहदा से एलसीएम राइट कर लेते हैं, इसका एलसीएम राइट करें तो ये बनता है 36, 3, 12 और 36 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो वो बनेगा 36। तो हम इसको क्या करवाते हैं, पूरी इक्वेशन को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करवा देते हैं पूरे एक्सप्रेशंस को एलसीएम के साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 36, 36 से मल्टीप्लाई करने से जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ इस वाले टर्म को तो ये 36 के साथ डिवाइड होके 1 आंसर देगा, यहाँ से बचेगा 5, और 36 को जब 1/12 से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 36 को डिवाइड किया, 12 × 3/36 3 आंसर आएगा, और यहाँ 2/3 से करेंगे 36 को तो 3 पे डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आंसर आएगा। इसी तरह 6 × 6/36 होता है, 6 आंसर आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 6 × 5/30 और यहाँ भी 6 आएगा, और यहाँ पे 18 × 2/36 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। अब इनको आपस में प्लस माइनस किया, 24 और 5 29 माइनस 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा 36 माइनस 10, 29 में से 3 माइनस किया 26 आएगा, और 36 में से 10 माइनस किया तो 26 आएगा, दोनों साइडों का आंसर जो है वो इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 5/18, ये ट्रू वैल्यू है इसकी, यानी ये इसका सॉल्यूशन है। सो हम सॉल्यूशन सेट इसका राइट कर देंगे 5/18, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसकी हमने पड़ताल भी कर ली है, यहाँ पे हमने इसको राइट कर लिया है चेक। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 इसका गिवन है, जिसमें x प्लस 1/3 को हम उसी तरह राइट करेंगे, x प्लस 1/3 इक्वल में 2 × x − 2/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये बन जाएगा 2x − 2 × 4 / 3 −6x आ जाएगा। अब फर्दर इसको हम क्या करते हैं, इसकी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करवाना चाहते हैं, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 3 और 3 का, तो ये 3 ही बनेगा,
तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को 1, प्लस 3 को 2x से करेंगे 3 2 टाइम 6x, माइनस 3 3 से कैंसिल होकर 4 माइनस 6x। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए x के लिए हमने सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1 6x माइनस प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ से ये दोनों आपस में हो जाएंगे, सॉरी फॉर दिस, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये बनता है 6 3 टाइम 18, सॉरी यहाँ 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये भी 18 बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6x माइनस 4 माइनस 18x में से जब 6 को माइनस करेंगे माइनस का 12x माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम x वाली तमाम वैल्यूज को एक तरफ करें, माइनस का 12 यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 1, ये माइनस 4 उसी तरह से प्लस का 1 इस तरफ शिफ्ट करेंगे माइनस 1, 12 जमा 3 15x, और माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 5, और मजीद x के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा हमारे पास माइनस 5 और बटा 15, और ये कैंसिल हो रहा है 5 के टेबल से, माइनस 5 एक बार 5, 5 3 बार 15, माइनस 1/3 जो है ये हमारा x के लिए आंसर आ गया है। अब इसकी हमने आगे पड़ताल करनी है, यानी इसको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं है, तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ इस फ्रैक्शन में राइट कर लें या फिर यहाँ पर राइट कर लें, शुरू में राइट कर लें जहाँ आपको आसान लगता है, यहाँ पे भी लगा के चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके ये टर्म बना लेते हैं ना, तो यहाँ पे ज़्यादा इजी होगा, तो इस वाले एक्सप्रेशन में लगा के भी हम इसको चेक कर सकते हैं, बजाय यहाँ लगाने के हम ये जो सिंप्लीफाई करके इसका फ्रैक्शन हमने डिनोमिनेटर को यहाँ पर ख़त्म किया हुआ है, तो ये वाला ज़्यादा आसान रहेगा। तो माइनस 1/3 को यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन में लगाते हैं, तो ये बनेगा 3 × माइनस 1/3, यहाँ x की वैल्यू लगा दी है, प्लस 1 इक्वल में 6 × x की वैल्यू हम लगा लेते हैं, वैसे यहाँ पे भी लगा सकते हैं माइनस 1/3 और माइनस का 4 माइनस 18 × -1/3, अब ये 3 3 से कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 और 3 1 3 3 2 टाइम 6 3 1 3 3 6 टाइम 18, अब यहाँ 2 है माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, यहाँ से माइनस का 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 6 1 6, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस का 6 प्लस 6 माइनस 4 और माइनस 2 को ऐड करें तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला ट्रू है x की वैल्यू के लिए, सो सॉल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा इसका वो बन जाएगा -1/3। ये पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, इसमें 5 × x − 3/6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 − x/9। अब यहाँ पे 6 और 9 का हम एलसीएम निकाले तो 18 आता है, तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, 18 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 18। 18 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 18 को 6 से तकसीम करें, 6 3 बार 18 3 बनेगा, 3 को 5 से ज़रब दे, 3 5 बार 15, और नेक्स्ट ये x माइनस 3 साथ में आ जाएगा, और यहाँ इसके नीचे कोई वैल्यूज नहीं आ रही, सो ये 18 को जब x से मल्टीप्लाई किया 18x आ जाएगा, और 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 1 18 1, माइनस 18 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 पर 18, 2 आंसर आएगा, 2 को x से करेंगे 2x आ जाएगा। अब फर्दर 15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से, 15 को x से करेंगे 15x माइनस 15 को 3 से करेंगे 45 माइनस का, और ये माइनस का 18x और इक्वल में 18 और माइनस का 2x आ जाएगा। अब यहाँ मजीद सिंप्लीफाई करते हुए 15x और माइनस का 18x,
तो माइनस के 18 से 15 माइनस करेंगे, माइनस का 3x आ जाएगा और ये माइनस का 2x इस तरफ शिफ्ट करेंगे प्लस का 2x इक्वल में 18 और 45 को जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा 45। माइनस 3 में प्लस 2 करेंगे, माइनस का x बच जाएगा, बड़ी वैल्यू माइनस में है। 18 और 45 को जब हम ऐड करेंगे 63, यहां से माइनस खत्म करेंगे दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस का 63। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 63। अब इसको चेक करना है क्या ये इसका एक्सटीनियस रूट तो नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में जहां पे x आ रहा है वहां पे 63 लगा देते हैं। तो वैल्यूज लगाने से ये बन जाएगा 5 इंटू माइनस 63 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस, और x की वैल्यू लगाएंगे अब माइनस 63 इक्वल में 1 माइनस माइनस 63 बाय 9। अब इसके हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये बनेगा 5, 63 में 3 माइनस है तो ये माइनस का 66 और नीचे वाला ये 6 माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस 63 और इक्वल में ये माइनस और ये माइनस हो जाएगी प्लस 9, 1 पर 9, 9 7 पर 63 तो यहाँ आ जाएगा 7। और यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल करें 6 वन टाइम और 6 11 टाइम, 6 पर 6 और 11 6 पर 66, ये माइनस का 11, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 55, 11 5 बार 55 प्लस 63 यानी 63 बराबर है 1 जमा 7 करेंगे 8। अब 63 में से माइनस 55 कर दें तो ये बच जाएगा 8 इज इक्वल टू 8, 8 बराबर है 8। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ रही है, सो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू होगी है फॉर x इज इक्वल टू माइनस 63 के लिए। लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट बच जाएगा माइनस का 63x। पार्ट नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 6, यहाँ पे हमारे पास x में x अपॉन 3x माइनस 6 इक्वल में 2 इंटू 2 माइनस 2x बाय x माइनस 2। यहाँ एक सिंप्लीफिकेशन पहले करते हैं, x बाय यहाँ 3x माइनस 6, 3 कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेने से यहाँ बच जाएगा x माइनस 3, 2 टाइम 6, 3 दो बार 6 2 आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल में 2 माइनस 2x अपॉन x माइनस 2। अब इनके डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज आ रही है एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 कॉमन में है और 3, तो मल्टीप्लाई आप इसके एलसीएम से हम करें इस पूरी इक्वेशन को जिस तरह हम करते आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन फैक्टर और उसके बाद नॉन कॉमन 3, 3 इंटू एक्स माइनस 2 के साथ हम इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर सारे का सारा इसके साथ, बाकी यहाँ से x आ जाएगा और इक्वल में 2 के साथ जब इसको करेंगे 3 2 टाइम्स 6 और इंटू एक्स माइनस 2 भी साथ में आएगा 2 के साथ, माइनस जब x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा बाकी ओनली 3 बचेगा और साथ में ये 2x आ जाएगा इसके। तो इस तरह इसका डिनोमिनेटर तो हो जाएगा एलिमिनेट। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई किया 6x माइनस 6 2 टाइम 12 माइनस 3 2 टाइम 6x। अब ये वाला 6x और ये वाला 6x कैंसिल, x इज इक्वल टू माइनस का 12, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया x इज इक्वल टू माइनस 12। अब इसे हमने मजीद चेक करना है कि इसका ये एक्सट्रीनियस रूट बनता तो नहीं, या बनता है तो बस छोड़ देंगे, ये चेक कर लेंगे हम x इज इक्वल टू माइनस 12 इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ जहां जहां x आ रहा है वहां पे इसको लगाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 12 x की वैल्यू, नीचे है 3 इंटू माइनस 12 माइनस 6 इक्वल में है 2 माइनस 2 इंटू माइनस 12 और नीचे माइनस 12 x की वैल्यू और माइनस का 2 आ जाएगा। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस 12 बाय 12 को 3 से ज़रब देंगे 36, 12 3 बार 36 माइनस 6 और यहाँ 2 माइनस और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस 12 2 बार 24
और माइनस 12 और माइनस का 2 माइनस का 14, और यहां से इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, ये बन जाएगा माइनस 12 और नीचे माइनस का 36 और 6 दोनों माइनस में, माइनस का 42। यहां से 2 लिखे उसी तरह, प्लस 7 3 बार 21, 7 4 बार 28। अब ये कैंसिल हो रहा है 2 के टेबल से, तो 12 2 बार 24, 7 2 बार 14, तो ये आ जाएगा 12/7। अब फर्दर इसका हम यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, 6 2 बार 12, 7 6 बार 42, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2/7, और इक्वल में यहाँ 7 इसका एलसीएम लेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को 2 से करेंगे 14+12, सॉरी फॉर दिस वन, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, माइनस 7 बचता है, तो ये प्लस वाला इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये 14 माइनस का 12 होगा, क्योंकि ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 बार 14 माइनस का 12, 14 में से 12 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/7, ये भी 2/7 और ये वाला भी 2/7, दोनों साइड्स इक्वल आ रही है, सो ये हमारा ट्रू साबित हो रहा है। सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 12 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें हमारे पास है पार्ट नंबर 7, 2x/2x+5 और इक्वल में 2/3 -5/4x+10। इसको यहाँ इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 2x/2x+5, उसी तरह से 2/3 -5/4x+10 से 2 कॉमन लेने से ये बन जाएगा 2x+5। अब इस एक्सप्रेशन को देखें, 3 और यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा 2x+5 2x+5 ये कॉमन फैक्टर बनते हैं, और 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 बनेगा, तो एलसीएम इसका बनेगा 6 2x+5। तो यहाँ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6 × 2x+5, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम बनेगा 6, और मल्टीप्लाई करने से 6 बन जाएगा, और ये कॉमन फैक्टर है दोनों, 2 और 3 नॉन कॉमन, 6 आ जाएगा, 2x+5 कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x+5 के साथ, 2x+5 इस वाले फैक्टर से कैंसिल होकर ओनली 6 बच जाएगा, तो ये 6 और इसके ऊपर वाला फंक्शन जो है 2x साथ में आ जाएगा। इक्वल में यहाँ 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2x+5 को, 6 जो है वो 3 से डिवाइड होकर 2 देगा आंसर, 2 को जब इस 2 से ज़रब करेंगे 4, और बाकी इसके साथ ये 2x+5 वाला फैक्टर आ जाएगा। माइनस जब इसको करेंगे तो 3 × 2 × 6, यहाँ 2 से जब से 6 को तकसीम करेंगे 3 आएगा, और ये वाला इसके साथ कैंसिल होकर 1 आंसर देगा, तो 3 यहाँ पे बचेगा, बाकी जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 3 को 5 से ज़रब देंगे, 5 × 3 = 15 आ जाएगा। डायरेक्टली मैंने हर एक टर्म से अलग-अलग इसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर राइट किया यहाँ पे। अब 6 को 2 से ज़रब दें, 6 × 2 = 12x, और यहाँ 4 को ज़रब करेंगे, 4 × 2 = 8x, जमा 4 × 5 = 20 माइनस का 15। अब यहाँ से आ जाएगा 12x, ये जमा का 8 इस तरफ आएगा, तो माइनस का 8x, 20 − 15 करेंगे 5, 12 में से 8x माइनस किया, 4x = 5, और x के लिए इसको सॉल्व किया तो 5/4 आ जाएगा, तो ये हमारा इसका x के लिए आ गया 5/4। अब इसको आगे हम करते हैं, यानी इसको चेक करना होता है, तो ओरिजिनल फंक्शन में इसको अगेन इसकी वैल्यू लगा के हम इसको चेक करते हैं। x की वैल्यू हमें लगानी है 5/4, सो ये आ जाएगा 2 × 5/4, और नीचे वाले फंक्शन में 2 × 5/4 x की जगह पे +5 इक्वल में 2/3 −5/4 × 5/4 +10। अब इसके हमने सिंप्लीफिकेशन करवानी है नेक्स्ट, तो ये 2 × 2 × 2 × 4 और यहाँ भी 2 × 4 आ जाएगा, और ये बच गया हमारे पास 5/2
और नीचे यहाँ से भी 5/2 प्लस 5 और इक्वल में 2/3 माइनस 5/4, 4 से कैंसिल, तो ये 5 + 10 = 15। अब अगेन यहाँ से इन दोनों को अलहदा से हम सॉल्व करते हैं और यहाँ इन दोनों को अलहदा से इनका एलसीएम लेकर हल करेंगे तो इजी रहेगा। तो ये 5/2 फिलहाल उसी तरह से, और यहाँ इसका 2 एलसीएम बनेगा, 5/2 और 5 का जवाब कर लिया तो 2 आएगा, 5 + 2 जवाब कर होने की वजह से 2 × 5 = 10 और इसके नीचे 2 आ जाएगा और इसका जवाब कर आएगा 15 यानी 15। 5 × 3 = 15, 5 को 2 से जरा देंगे, 5 × 2 = 10 माइनस 5 × 1 = 5 और फर्दर ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल और रिमेनिंग आंसर 5 और नीचे 5 और 10 को जमा करें तो ये 15 बन जाएगा और यहाँ से 10 में से 5 माइनस करें 5 और नीचे भी आ जाएगा 15। तो ये 5 बटा 15 या फिर 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 5, 3 × 15 1/3 और 1/3 1/3 इक्वल आ रहा है। सो ये हमारा जो सॉल्यूशन सेट आंसर बनेगा वो बनेगा 5/4। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया 5/4 जो कि ट्रू है दी गई स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, 2x / x - 1 1/3 5/6 प्लस 2x - 1। अब इस सारे का एलसीएम अगर हम 3, 6 और x - 1 कॉमन आ रहा है, इसका जब हम फैक्टर बनाएंगे 3 और 2 बनेगा, 3 कॉमन आएगा 2 तो ये 6 बन जाएगा, यानी 6 × x - 1 इसका एलसीएम बनता है। तो अब इसके एलसीएम के साथ हम इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6 × x - 1। इस पूरे का एलसीएम बनेगा 6 × x - 1। तो 6x - 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा, यहाँ से x - 1 के साथ कैंसिल, 6 बच जाएगा, 6 × 2x प्लस इसको करेंगे 3, 2 × 6 यहाँ से 2 आंसर देगा और साथ में x - 1 आएगा। जब इस वाले टर्म से करेंगे 5/6 से 6 कैंसिल होकर 5 × x - 1 आ जाएगा प्लस इसके साथ करेंगे x - 1 कैंसिल और 6 बचेगा, 6 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फर्दर सिंपली में करें 6 × 2 = 12x जमा इस 2 को जरब देंगे 2x - 2 × 2 5 × 5x - 5 × 5 जमा 6 × 2 = 12। अब इस तरह से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए x वाली वैल्यू को एक तरफ करें, 12 × 2x ये बचेगा 14x माइनस का 2 और ये यहाँ से 5x को इधर ले आते हैं, माइनस का 5x और इक्वल में -5 × 12 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 और ये माइनस का 2 ये जमा होकर हो जाएगा जमा का 2 और मजीद इसको सॉल्व किया 14 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9x = 9 और x का सॉल्व इसको 9 जो है यहाँ से डिवाइड करते हैं इस तरह तो 9 × 9 = 1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 1 जो है ये हमने यहाँ पर ताल के लिए इसको चेक करना है तो चेक करेंगे यहाँ से गिवन एक्सप्रेशन में x की वैल्यू लगाते हैं 2 × 1 करेंगे 1 और 1 - 1 + 1/3 = 5/6 + 2/1 - 1 तो ये 2/0 ये अनडिफाइन हो जाएगा +1/3 और इक्वल में 5/6 + 2/0 तो ये अनडिफाइन हो रहा है यानी इसका हल जो है वो मुमकिन ही नहीं है। हल सेट इसका ये जब भी बड़े में 0 आ रहा है 2/0 तो ये अनडिफाइन है, ये वाला भी अनडिफाइन है और ये वैल्यू जो है इसकी पॉसिबल नहीं है तो हल सेट जो है लिहाजा इस मुसावात का यहाँ लिख दें लिहाजा हल सेट जो है वो मुमकिन नहीं है। जब भी बड़े में 0 आ जाए या दोनों साइड इक्वल में ना आए तो वो हमारे पास क्या देगा उसका हल सेट मुमकिन नहीं होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका हल सेट मुमकिन नहीं है तो बस यहाँ तक इसको राइट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 में गिवन है हमारे पास 2/x = -1 इसको हम सिंपल करेंगे x + 1 x - 1 यानी इसको फार्मूला अप्लाई कर दिया a² + -b² वाला a + va - b
और फर्दर ये वाला एक्स प्लस वन उसी तरह से माइनस वन बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इस सारे का एलसीएम बनेगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। एक्स प्लस वन सारे के कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे और नॉन कॉमन में एक्स माइनस वन आएगा। सो मल्टीप्लाई किया इसको, मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन बोथ साइड। एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन जब मल्टीप्लाई होंगे इनके साथ ये वाले तो ये कैंसिल होकर ओनली टू देगा आंसर माइनस। ये एक्स प्लस वन वाला ये एक्स प्लस वन से कैंसिल होकर एक्स माइनस वन आंसर देगा और माइनस ये प्लस वाला कैंसिल होकर एक्स माइनस वन आंसर देगा इक्वल में जीरो। अब इसके बाद सिंपलीफाई करते हुए यहाँ से माइनस जो बाहर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट्स के अंदर तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स और ये माइनस वाला प्लस वन हो जाएगा। इसी तरह ये वाला भी माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और मजीद ये वाला हो जाएगा वन वन और टू। ये हो जाएगा माइनस का वन और ये वाला माइनस का वन माइनस का टू एक्स हो जाएगा टू थ्री और ये फोर प्लस का फोर इक्वल में जीरो। और यहाँ से हम एक्स के लिए सॉल्व करें तो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस का फोर और फर्दर यहाँ से माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ तो यह देगा एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर बाई माइनस टू। माइनस फोर को जब माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो टू आंसर आएगा। तो एक्स हमारा आ गया जी एक्स इज इक्वल टू प्लस का टू। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये इसका एक्सट्रीमियस रूट तो नहीं बनता। तो इसको एक्स इज इक्वल टू को हम ओरिजिनल फंक्शन पे यहाँ पे अगेन से चेक करेंगे तो टू लगाएंगे तो ये बन जाएगा टू अपॉन टू का स्क्वायर लेंगे फोर माइनस वन माइनस वन बाय टू प्लस वन माइनस वन बाय टू प्लस वन और इक्वल में जीरो। तो ये आ जाएगा टू बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब इसका अगर हम एलसीएम लें सारे का तो थ्री बनता है तो थ्री के बाद ये टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस वन माइनस वन माइनस का टू बन जाएगा तो प्लस टू ये जीरो अपॉन थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो दिस मतलब ये जीरो इज इक्वल टू जीरो आंसर दे रहा है। सो ये टू हो रहा है एक्स इज इक्वल टू प्लस टू पे तो ये हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बन जाएगा ओनली टू। तो ये पार्ट नंबर हमारा नाइन हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर वन का वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर टेन टू बाय थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन बाय सिक्स माइनस वन बाय टू एक्स प्लस फोर। पहले कुछ इसकी सिंप्लीफिकेशन करवाते हैं। टू बाय इन दोनों में से थ्री कॉमन आ रहा है थ्री कॉमन लिखेंगे यहाँ एक्स आ जाएगा और थ्री टू टाइम सिक्स यहाँ पे टू आ जाएगा इक्वल में वन बाय सिक्स माइनस इन दोनों में से दो कॉमन लें तो यहाँ बचे एक्स जमा दो। अभी सारे का हमने दो तीन छः और एक्स जमा दो का एलसीएम लेना है तो ये बन जाएगा एलसीएम सिक्स आएगा दो तीन और छः का। नंबरों की बात करें दो तीन और छः की तो छः आएगा और एक्स जमा दो और एक्स जमा दो दोनों में से एक आ जाएगा। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सिक्स इंटू एक्स प्लस टू के साथ। थ्रू आउट जब इसको सिक्स इंटू एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस टू से ये वाले टर्म कैंसिल और छः दो से तकसीम होकर तीन से होकर तीन दो होगा छः दो आंसर देगा इस दो के साथ मल्टीप्लाई होकर चार आ देगा और इक्वल में ये सिक्स यहाँ सिक्स से कैंसिल और ये टर्म बचेगी एक्स जमा दो बचेगा छः छः से कैंसिल हो जाएगा माइनस तीन दो बार छः जब छः को दो से करेंगे तीन आएगा और ये वाला इसके साथ कैंसिल होकर ओनली तीन आ जाएगा। तो यहाँ से चार बराबर में है एक्स दो जमा का माइनस का तीन माइनस का एक और यहाँ एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का एक दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे जमा का एक चार जमा एक पाँच एक्स का आंसर आ रहा है यहाँ पे पाँच। अब इसकी हमने पड़ताल करनी है एक्स इज इक्वल टू जो फाइव आंसर आया है इसको ओरिजिनल फंक्शन में चेक करना है कि ये इसका रूट बनता है या नहीं बनता। सो चेक एक्स इज इक्वल टू फाइव सर है इसको हम ओरिजिनल वैल्यूज में लगाएंगे तो टू बाय थ्री इंटू फाइव प्लस सिक्स आ जाएगा और इक्वल में वन बाय सिक्स उसी तरह से माइनस वन बाय टू इंटू फाइव प्लस फोर और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे टू बाय फाइव थ्री टाइम फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन और इक्वल में वन बाय सिक्स आएगा
और यहाँ से माइनस वन बाई फाइव टू टेन टेन पाँच दोबर दस जमा चार चौदह आ जाएगा। अब इसका हमने फर्दर जो है सिंप्लीफिकेशन करवानी है एलसीएम लेकर, तो यहाँ तो टू बाई ट्वेंटी वन आ रहा है लेकिन सिक्स और फोर्टीन का एलसीएम लेंगे तो वो बनेगा फोर्टी टू बयालीस, तो सात छः बार बयालीस बनता है सेवन आएगा, यहाँ पे माइनस चौदह तीन बार बयालीस बनेगा तो यहाँ पे तीन आएगा और ये है टू बाई ट्वेंटी वन। उसी तरह से अगेन जब सिंप्लीफिकेशन की गई सेवन में से थ्री माइनस किया फोर बाय फोर्टी टू और फर्दर जब इस फोर और फोर्टी टू को टू के टेबल से डिवाइड किया टू टू ज़ा फोर और ट्वेंटी वन टू टाइम फोर्टी टू, तो ये टू बाय ट्वेंटी वन इक्वल में है टू बाय ट्वेंटी वन, तो इसलिए ये वाला भी क्या हो रहा है ट्वेंटी टू बाई ट्वेंटी वन टू बाई ट्वेंटी वन ट्रू हो रहा है। सो एक्स इज इक्वल टू फाइव जो है ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सो सोल्यूशन सेट हम राइट कर लेंगे एक्स जो है वो फाइव, तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर वन हमारा एक्सरसाइज 7.1 का कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, चैनल का ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, कमेंट किया करें और लाइक भी कर दिया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।